जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी मेले में खूब सारी शॉपिंग करने। ये भी कहीं बाहर जा रही है लगता है। बस यारी मुझे इन कपड़ों में ना देख ले वरना हंगामा कर देगी। मैं जल्दी से कहीं छुप जाती हूँ। अरे ये भाभी कहाँ है? भाभी लगता है किचन में। भाभी अरे यार ये तो यहीं आ रही है, क्या करूँ, दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। भाभी यार मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया है, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैं तो बोल दूंगी मैंने तो आपको ढूंढा था, मैं तो चली शॉपिंग अब। जा जा जल्दी जा चुड़ैल, लगता है चली गई। अब मैं भी चली मस्त मेले में शॉपिंग करूंगी। ये सब हटा देती हूँ, आंटी बन के थोड़ी जाऊंगी, फुल फैशनेबल बन के जाऊंगी। जीन्स टॉप भी पहना है, अपने भाई को भी बुला लेती हूँ। चल बहन आ गए हम मेले में। हाँ भाई आज तो खूब मजे करेंगे। कल तेरी ननद की वजह से हम देख रही है झूला भी नहीं झूल पाए थे। हाँ ये तो है। चल पहले झूला झूलते। अरे नहीं नहीं अभी धूप बहुत है, पहले शॉपिंग करते हैं उसके बाद झूला झूलेंगे। देखो अभी भीड़ भी नहीं है। चल फिर। अच्छा है आज आ गई मैं अकेले, आज मस्त शॉपिंग करूंगी। उनको बुलाती तो उनको भी शॉपिंग करवानी पड़ती। अरे यार ये शॉप तो बंद है, इसमें बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं पता है तुझे? हाँ? लास्ट टाइम मैंने यहीं से लिए थे। चल भाई कुछ पजामे ले लूं अपने लिए। हाँ। तेरी ननद पहनने भी देगी तुझे? अरे हाँ हाँ उससे कौन डर रहा है, रात में तो पहनने, और अभी वो कुछ टाइम के बाद चली जाएगी। सुंदर लग रहा है ये? अच्छा तो लग रहा है बहन। ये लाल कलर भी ले लेती हूँ, वो वाला कलर भी निकाल। हाँ चल इसके साथ का मैचिंग टॉप भी ले लेती हूँ अब, वो वाला देख वाइट। अरे ये भी अच्छा लगेगा यार, रेड एंड वाइट अच्छा लगेगा। 90 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। 200 रुपए से कम नहीं है मैम बिल। ये तेज आवाज किसकी है? बड़े बदतमीज हो, मेला लगा है कि क्या लगा है, लूट बचा रखी है। कहीं मेरी नंद तो नहीं है यहाँ पर? पागल है क्या, वो यहाँ कहाँ से होगी? ऐसा लग रहा है बार्गेनिंग कर रही है चिल्ला चिल्ला के, हर जगह उसी की आवाज सुनाई देती है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, सही लगाओ मैं और भी कुछ देख रही हूँ। यार आवाज लग तो उसी की रही है। अबे इतना भी मत डरा कर कि भूत की तरह तुझे वही दिखाई दे, कपड़े देख तू। रुक जा मैं पीछे देख लूं एक बार। भैया ठीक ठीक लगा, 90 से ज्यादा नहीं दूंगी ठीक है। भाई पीछे देख जल्दी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अब तो हमें शॉपिंग भी नहीं करने देगी और मुझे इस हालत में देख लिया तो मम्मी जी से शिकायत कर देगी। जीन्स पहन कर आई हूँ भाई, यहाँ से जल्दी से कोई भी कुर्ता ले ले ताकि ऊपर से पहन लूँ। पागल हो गई है, डर क्यों रही है, आराम से रह, उसने हमें थोड़ी ना देखा, हमने देखा है उससे। हाँ एक काम करते हैं चुपचाप पीछे से निकल जाते हैं। चल पहले ये लगा दूँ, ये करना जल्दी आ जल्दी आ। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो आप, अमीर घर की बात हो के छोटी बात कर रहे हो? ये क्या बात है, अमीर घर की गरीब घर की सबके लिए रेट तो सेम ही होगा ना, फालतू में मुझे देख के महंगा लगा रहे हो, सस्ता लगाओ। मैम नहीं हो पाएगा इतना ही, ठीक है तो मैं मुझे कुछ नहीं लेना। ठीक है मैडम ले लो आप, गरीब को लूट लो। ठीक है यहाँ पे तो कर लेते लेकिन मॉल वॉल में नहीं हो पाता। अपने भाई के लिए थोड़े कपड़े देख लेती हूँ। हाँ? ये तो सैंडी जैसा लग रहा है, और सर ये लड़की कौन है? ये तो भाभी है, अभी बताती हूँ उन्हें। तू भी ना। अरे यार छोड़। चल नहीं ले रहा फिर। क्यों नहीं ले पा रहे हो? Oh, no. दीदी आप? हाँ मैं। क्या बात है भाभी, आप तो बिल्कुल लड़की लग रही हो, लग ही नहीं रहा आपकी शादी हुई है, बस आपने एक्टिंग करके थोड़ा चूड़ा पहन रखा है। अरे वो तो इस छोटे ने बोला कि एक टी शर्ट चाहिए इसको, इसने भागे भागे हम आ गए, वरना हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, सच में नहीं था। वरना तो कल घूम ही लिए थे हम तो, आपको पता ही है। पता तो मुझे है पर मैं भी तो आ रही थी ना, तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? और भाई तुम मुझे भी तो बता सकता था, तेरे को टी शर्ट चाहिए मैं दिला देती तुझे। What? वो कह रहा था कल आपने खाना तो खिलाया नहीं, टी शर्ट तो खाक दिलाते, इसीलिए हाँ 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 उड़ा लो मेरा मजाक उड़ा लो। कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारी माँ से मानो हम आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? तो आप अपनी माँ का इतना मजाक उड़ाते हो? दीदी ऐसी मजाक कर दिया, छोटा सा मजाक करा इसने तो। तुम्हारी तरह तुम्हारे मजाक भी बड़े छोटे हैं। चलो मेरे पीछे अब, मैं दिलाती हूँ टी शर्ट। ये टी शर्ट दिलाएगी तुझे? बहन चोटी काट, सपना तो नहीं है कोई? आ भाई ये रियल ही है, रियलिटी में वो हमें कुछ दिलाने वाली है। चल अरे ये कहाँ पर लिया है, इसमें तो लड़कियों के कपड़े हैं। हाँ तो मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, पकड़ो। अरे अपने लिए देख रही हूँ, उसके बाद तेरा नंबर आएगा है ना। हाँ पकड़ो। वाह ये स्कर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगे ना लगे आप पहन तो पाओगी नहीं। ये लोअर ये किसके लिए? सब मेरे लिए। दीदी मुझे कब दिलाओगे? पहले मैं अपने ले लूं। ले लो दीदी। वाओ ये स्कर्ट आप पर खूब जमेगी। नहीं चाहिए मुझे। Oops.
अच्छा चलो इसकी बिलिंग कराओ जल्दी जाके। अच्छा भाई तू बिलिंग करा, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जा जा 500 रुपए दे दो। ओह नो, तुम दे दो, मैं तुम्हें आगे दे दूंगी। चलो मैं कुछ और भी देख रही हूँ, जल्दी जाओ। अरे मैं पैसे नहीं लेकर आई हूँ। पेटीएम कर दो, जाओ भैया इसका बिल बना दो। भाई वो फिर पैसे नहीं दे रही, बोल रही आगे चलो, आगे किसी शॉप में दे दूंगी। पैसे नहीं दे रही ना, रुक मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया हुआ? हाँ हाँ हो रहा है, बिल ही हो रहा है। अरे दीदी अपने पैसे दे दो, हमने सिर्फ 200 रुपए ही लाए थे अपने टी शर्ट के लिए और यहाँ पर 500 हो रहे हैं, भैया कह रहे हैं। अच्छा पेटीएम कर दो, पेटीएम भी उनके पास, वो देखो वो लगा स्कैनर। दीदी क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, कर दो ना। चलो चलो कर देती हूँ, बैग उठा लेना मेरे। हाँ। मैं दे रही हूँ पैसे उधर से। चल भाई। भाभी रुको, आपसे कुछ बात करनी है, एक मिनट पीछे आओ। जी दीदी। भाभी को बुलाया, भाभी के भाई को नहीं। तुम कहाँ चुंबक बन के पीछे पीछे घूमते रहते हो। oh, no. भाई तू चल, मैं एक मिनट में आती हूँ। इतना गेटअप तो किया है, उस पे एक बिंदी भी लगा लेती। खराब बिंदी लगाओ फिर चलना इधर। बिंदी? आप अपने बैग में बिंदी लेके घूमती हो? और क्या, देखो मैंने भी लगा रखी है, पहन के फटाफट। मगर दीदी आपकी बिंदी तो दिखी नहीं थी है। रुको रुको आप ये वाली बिंदी लगाओ, पर बहुत सूट करेगी। वाओ बहुत सुंदर लग रही हो। और मैं भी लगा ही लेती हूँ। वैसे भी पता है क्या है, बहुत ना गर्मी थी इसलिए बिंदी निकल गई, पता ही नहीं चला। ये लो आपकी बिंदी का पत्ता। चलो थोड़ी और शॉपिंग करते हैं। पैसे तो है नहीं, शॉपिंग करते हैं। आए बड़ी मुझे बिंदी लगाने वाली, इसको तो आज मैं चूना लगाती हूँ। आओ तुम्हें शॉपिंग करा दूँ। हाँ अच्छे से कलर में लेना दीदी, जो इस पर सूट करे। ब्लैक इस पर बहुत जमेगा, ये कॉमन कलर है, कुछ डिफरेंट लो, जैसे कि ये। ये तो आदमियों जैसा लग रहा है। आप अपने पति के लिए तो नहीं ले रही, मतलब हमारे जीजू के लिए? oh, no. मैं उनके लिए यहाँ से लूंगी, मॉल जाती हूँ मैं उनके लिए लेने। हाँ भाई तू देख ले अपने लिए, तुझे कौन सी पसंद आई। यहाँ से क्यों दिला रही हो, मुझे भी मॉल से ही दिला दो। तुम तो 200 रुपए लेने यही आए थे मेले में, अब तुम्हें मॉल जा रहे 200 रुपए लेके। काम करो अपना। अपनी बेइज्जती खुद ही कराता ये पागल। अरे भाई कैसा मजाक कर रहा है, ये ले ये देख। ये देखो ये तो बेकार लग रही है, ये देखो तुम। मैं क्या कोई गोवा जा रहा हूँ, ये दिखा रहे हो मेरे को? दीदी ये तो बिल्कुल गोवा जैसी है, ये कहाँ पहन पाएगा ये, कुछ और दिला दो ना। मैं फोन में बात करके आ रही हूँ, देख लेना। ठीक है हम देख रहे हैं। आजा सुन, 3-4 खरीद ही ले यहाँ से, अब चले ढूंढ। और ये वाला कलर भी ले ले भाई, ये तो बहुत सूट करेगा तुझ पर। हाँ। ले 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 4 ले ले, 4 हो गई ना, 4 होगी। ठीक है आने वाली है, आजा उधर चलते हैं दुकान के पास। वाव यार लॉटरी लग गई आज तो। आ गई चुप हो जा। no. कर ली शॉपिंग? yeah. हाँ दीदी इसने कर ली, ये चारों इसको खूब पसंद आई है। दोस्तों में तुम्हारे गांव में 4 टी-शर्ट आती है? What? चुपचाप एक लो, एक दिलानी थी तुम्हें, 4-5 नहीं रख के आओ, एक लो जो अच्छी लग रही है, वरना दिलाऊंगी नहीं। आपका छोटा भाई तो है, अगर मैं पैसे लाती तो मैं ही दिला देती, मेरा भी छोटा और आपका भी छोटा भाई। छोटा भाई समझ के ही एक दिला रही, क्योंकि सिर्फ 200 रुपए लेके आया था ना ये, कुछ खा ली 200 रुपए का, अभी बस एक टी शर्ट ले। चल चल भाई तू भी ना बच्चों वाली हरकत करता है, जा पागल है ये, कुछ सिखाओ इसको, अपनी तरफ चालू मत बनाओ। अरे मैं कहा, मैं तो गाय हूँ, गाय गाय। जल्दी लेके आ भाई, एक पैसे दे दो मैं पे कर देती हूँ, मैं खुद कर दूंगी, मैं भी वहां तक जा सकती हूँ। चुड़ैल कहीं की, अब मैं कुछ लेती हूँ। अरे दीदी क्यों चिल्ला रही हो, पागल हो गई हो क्या? कप देखो कितने सुंदर सुंदर कप है यहाँ पर, कप लेने हैं घर के लिए, घर में कप वैसे भी टूट गए हैं। पैसे लाइयो? दीदी आप भी उसी घर में रहती हो, भूलो मत, और वैसे भी आप ही ने कप तोड़े थे जब आप बर्तन धोने लगी थी, मेरा हाथ कट गया था। अच्छा अच्छा मुझे याद है, याद मत दिलाओ ज्यादा। हाँ घर के लिए कप ले रहो, मम्मी जी भी एक दो दिन में आ जाएंगी तो वो भी कप में चाय पीती हैं। ठीक है मैं ले लेती हूँ। हाँ ले लो। अच्छा जी कप ढूंढ, तू भी बहुत चाय पीता है ना, अच्छा बड़ा कप ले, जा जा उधर जा। वाओ कितना सुंदर कप है, घर में गेस्ट आएंगे उनको इसी में चाय पिलाऊंगी, इम्प्रेस भी हो जाएंगे। ये देख 2 कप ले लिए, देखो दीदी पैसे लाए हो? वही रखे हो जहाँ से उठाया है। अभी तो आपने बोला था कि कप ले लो। दीदी आप ही ने तो बोला था। मैंने मम्मी के लिए और भाई के लिए कप लेना है बस, और किसी के लिए नहीं। मम्मी और भाई के लिए? अच्छा अच्छा सेट लेंगी वो, तू जा रख कर आ, फालतू की बातें मत बना। सेट लूंगी, इन्हें किसने बोला है? ये ऐसा लग रहा है पिंक कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, क्योंकि मम्मी का फेवरेट है ना, और भाई तो किसी में पी लेता है, इसलिए ये 2 कप ले रही हूँ मैं। अरे 2 कप, ये क्या बात कर रही है, 2 कप कौन लेता है, कप का तो सेट 6 का होता है, तो ये वाले सुंदर है, गेस्ट भी तो आएंगे घर में। आप ले लो, आपके पास 200 रुपए बचे तो होंगे। मैं तो यही 2 ले रही हूँ, मम्मी के लिए और भाई के लिए। पैसे मैंने दे दिए, पैक हो रहे हैं, लेते हुए आना। ठीक है ठीक है। देखा तूने कितनी कंजूस है, 2 ही कप लिए अपनी मम्मी के लिए और उनके लिए, इतने सुंदर सुंदर कप है, मैं वो भी नहीं ले पाऊंगी, अगर मैंने कुछ भी लिया ना तो उसको पता चल जाएगा हमारे पास पैसे हैं, रखने पड़ेंगे यार।
अंकल हम कल आएंगे, इसको संभाल के रखना प्लीज। चल भाई चल। कहाँ गई ये? ये रे चुड़ैल। चल हाँ भैया ये वाले टेस्टी हैं, ये वाले पैक कर दो। क्या पैक करा रहे हो दीदी? पापड़ पैक करा रही हूँ, भाई को पसंद है ना बहुत ज्यादा। हाँ और भाई की पत्नी को ये साबुत दाने वाले बहुत पसंद है, ये भी करवा लो। भैया ये भी एक कर देना। अरे भाभी अब 200 रुपए लेके आए थे दोनों के दोनों, क्या सोच रहे थे पूरी मेला खरीद लोगे क्या? अब ले ही हो तो हमने सोचा कि हमारे लिए भी कुछ ले लो। चलो चलो करवा लो, कोई बात नहीं, कर दो भैया इसको भी पैक कर दो। ये कर दो भैया। अच्छे पापड़ इनके पास पता है? हाँ काफी वैरायटीज हैं। भाई तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। दीदी आज खुले दिल से पैसे खर्च कर रही हैं। नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, खुले दिल से कर रही हूँ, वो तो मैंने दे दिया आपको बस। ये भी वाला थोड़ा अच्छा है दीदी, देखो एक बार। ये अच्छे नहीं होते, मैंने टेस्ट किया ना, यहाँ रखा हुआ था उसमें था तो मैंने खत्म किया है, वो अच्छा नहीं था। ये ना बहुत खद्दड़ है, बहुत खा लेती है। खर्चे की मेरी बेइज्जती मत करा, चुप बैठ। दो भैया। भैया मैंने आपको पेटीएम कर दिया है, उठा लो सामान मैं आ गया हूँ। मैं तो बोर हो रही हूँ यहाँ पर, चल अब घर चलते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे घर जाना है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है इसके चक्कर में। चलें? चल बहन। चलो दीदी चलते हैं। तुम दोनों से एक बात कहना चाहूंगी जाने से पहले, जब भी मैं किसी दुकान पे होती हूँ ना, वहाँ की ये मत बोला करो मुझे ये दिला दो मुझे वो दिला दो, कितनी बेइज्जती फील होती है मुझे। ऐसा लगता है मैं गरीबों को लेकर घूम रही हूँ अपने साथ। दीदी आप तो हमसे बड़ी हो तो आप तुम्हें कुछ भी दिला सकती हो, हमारा तो फर्ज बनता है आपको बोलने का। अब दुकान वाले को क्या पता मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ, वैसे भी मैं छोटी लगती हूँ, मैं बिल्कुल 20 की लगती हूँ और तुम 30-40 साल के लगते हो, समझ गए? 30-40? ठीक है दीदी चलो अब चलते हैं। हाँ चलो। 20 की कहाँ से लगती है, आंटी लगती है बुरी, है बुरी सी ये भी बुरी, इसकी मम्मी भी बुरी, बहुत ही बुरे हैं दोनों। चल चल।